अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर 2 बजे मेरठ से हुंकार भरेंगे, तो पीएम की रैली से 3 घंटे पहले दिल्ली में विपक्ष की रैली शुरू हो जाएगी। क्या तैयारी है विपक्ष की वो भी आपको बता दें। आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली होनी है, रैली के जरिए ताकत दिखाएगा विपक्षी गठबंधन इंडिया। रैली में शामिल होंगे विपक्षी दलों के नेता। इंडिया गठबंधन की ये रैली ऐसे वक्त में हो रही है जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी ईडी की गिरफ्त में है, और विपक्ष ने अपनी रैली को लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दिया है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। ऐसे में आज की रैली में विपक्षी दिग्गज सरकार पर तीखा अटैक कर सकते हैं। तो ये महारैली इंडिया गठबंधन की, जिसमें जो दिग्गज नेता हैं इंडिया गठबंधन के वो शामिल रहने वाले हैं। अब देखिए विपक्षी नेता लगातार ईडी के एक्शन पर सरकार को घेर रहे हैं। विपक्षी आरोप लगा रहा है कि सरकार ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहा है। रैली से पहले विपक्षी नेताओं के बयान में भी इन आरोपों की झलक दिख रही है। आप देखिए देश में जिस प्रकार से आघोषित इमरजेंसी लागू है, दो दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिस प्रकार से अरेस्ट किया गया, और जिस हिसाब से ऑपोजिशन के जितने भी नेता हैं उनको एक टारगेट किया जा रहा है, लेकिन भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही बल्कि उनको क्लीन चिट दिया जा रहा है। अब ये जनता को तय करना है कि ये साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से एक प्रोपेगेंडा जो है और तानाशाही देश में चल रही है, जिसको इन लोगों को लड़के हटाना है। आज स्थिति ये आ गई है, इस तरह की कार्रवाई अगर कर रहे हैं तो ये साबित हो गया है कि ये लोग डरे हुए हैं। 400 क्या इन लोगों को 150 भी बड़ा मुश्किल से ही आएगा। तमाम लोग अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ और भाजपा की तानाशाही के खिलाफ इस ऐतिहासिक भूमि पर इकट्ठा हो रहे हैं, रामलीला मैदान पर 10 बजे इकट्ठा हो रहे हैं। आपने देखा है ये जो मैदान है ये साक्षी रहा है बहुत सारे बदलावों का, बहुत सारे परिवर्तनों का। लिहाजा इंडिया अलायंस के जो जितने भी पार्टनर्स हैं, एलाइज हैं, वे सारे आ रहे हैं, सारे बड़े नेता आ रहे हैं, और दिल्ली और देश के लोग भी आ रहे हैं। ये सब इकट्ठा होकर भाजपा की तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ अपनी हक की इंसाफ की आवाज़ बुलंद करेंगे। पूरा रामलीला मैदान मुझे लगता है कि भरा हुआ मिलेगा आपको, और रामलीला मैदान के भरे हुए होने से बड़ी बात लोगों का दिल भराया है। जो कुछ भी होगा इस रामलीला मैदान से, जो कुछ भी फूटेगा, जो कुछ भी निकलेगा, वो इस देश को एक दिशा देगा, लोकसभा के चुनाव को भी एक दिशा देगा। तो इंडिया अलायंस का ये शक्ति प्रदर्शन आज रामलीला मैदान में देखने को मिलेगा। क्या खास रहने वाला है आज इस महारैली में, आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन इस रैली में शामिल होने वाला है, क्योंकि जो तमाम दल हैं इंडिया गठबंधन के वो इस रैली में शामिल हो सकते हैं। अब देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष कांग्रेस के, सोनिया गांधी है पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस की वो भी शामिल होंगी, राहुल गांधी कांग्रेस नेता वो भी शामिल रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ देखिए शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष हैं वो भी शामिल रहेंगे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वो भी रहेंगे, उद्धव ठाकरे शिवसेना अध्यक्ष वो भी इस पार्टी इसमें रहने वाले हैं, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के वो भी आएंगे, तेजस्वी यादव नेता हैं आरजेडी के वो भी आएंगे, और आदित्य ठाकरे नेता हैं शिवसेना के वो भी इस महारैली में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं पंजाब के वो भी रहेंगे, सीताराम येचुरी महासचिव है सीपीएम के वो भी आने वाले हैं, डी राजा महासचिव है सीपीआई के वो भी रहने वाले हैं, महबूबा मुफ्ती अध्यक्ष है पीडीपी की वो भी शामिल होंगी महारैली में, फारूक अब्दुल्ला अध्यक्ष है नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी आएंगे, और साथ ही साथ दीपांकर भट्टाचार्य महासचिव है वो भी आएंगे, तिरुचि शिवा नेता डीएमके के, डेरेक ओब्रायन नेता टीएमसी के, जी देवराजन नेता फॉरवर्ड ब्लॉक के वो भी इस महारैली में शामिल होने वाले हैं। तो महारैली की पूरी तैयारी है, जो तमाम दल हैं उसके बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। अब देखिए रैली के जरिए विपक्षी दिग्गज एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रैली से पहले ही रैली के एजेंडे को लेकर विपक्ष में दरार दिख रही है। विपक्ष की रैली पर कांग्रेस का बड़ा बयान सामने आया है, जयराम रमेश ने कहा कि किसी एक व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है, आम आदमी पार्टी ने कहा था केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये रैली हो रही है। अब कांग्रेस ने कहा है कि कई मुद्दों पर सरकार का विरोध इस रैली के जरिए किया जाएगा। किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं, और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। अब देखिए रैली से पहले ही जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है उसमें एजेंडे को लेकर अब दरार दिखने लगी है। क्यों ये दरार दिखने लगी है ये भी आपको समझा देते हैं, क्या इन दोनों दलों की तरफ से कहा जा रहा है। रैली से पहले क्या दरार है देखिए,
आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये रैली की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कह रही है कि व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है, तमाम जो मुद्दे हैं पूरे देश के उन्हें लेकर ये रैली की जा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध इसमें किया जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण, किसानों से अन्याय जो हो रहा है उसके खिलाफ हमारी तरफ से ये रैली की जा रही है। तो रैली से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये दरार देखने को मिल रही है। अब देखिए, रैली के एजेंडे को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच मतभेद जारी है। बीजेपी भी इस रैली को लेकर तंज कस रही है। बीजेपी ये कह रही है कि जिस रामलीला मैदान से अन्ना हजारे ने करप्शन के खिलाफ जंग शुरू की थी, उसी रामलीला मैदान में करप्शन के केस में फंसे केजरीवाल के समर्थन में विपक्षी नेता जुट रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये रैली कहां हो रही है। आज से कोई 12-13 वर्ष पहले रामलीला ग्राउंड में अन्ना हजारे जी ने एक आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन में श्री अरविंद केजरीवाल जी भी भाग ले रहे थे। उस समय वो कहते थे कि वो तो सोशल एक्टिविस्ट हैं और वो कभी राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। राजनीति में भी आए, उन्होंने राजनीतिक दल भी बनाया आम आदमी पार्टी, और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के वजह जो जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे उनसे हाथ नहीं मिलाया, गले मिल गए। इनकी पोजीशन देखिए, भ्रष्टाचार के ये खिलाफ थे और खुद भ्रष्टाचार में पड़ गए। बहुत ही तकलीफ देह है वो दिन जिस दिन अन्ना हजारे जिनको जेल भेजा था मनमोहन सिंह की सरकार ने, उस वक्त जिन लोगों के खिलाफ हम सब लोगों ने मिलकर पूरा आंदोलन शुरू किया जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी बनी, आज वो सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं रामलीला मैदान में और वो बचाव में आ रहे हैं केजरीवाल जी के। ये हालत हो गई है, ये लानत मैं भेजती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को जरूरत पड़ रही है उन्हीं सारे भ्रष्टाचारियों की जिनको वो गाली बकते थे, कोसते थे, जिसकी वजह से हम सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर अन्ना हजारे आंदोलन में उसी रामलीला मैदान में खड़े होते थे। अब देखिए, रैली के एजेंडे पर बेशक विवाद हो लेकिन रैली के मंच पर विपक्ष के दिग्गज दिखेंगे ये तय है। इस रैली में तो विपक्ष के जाने माने दिग्गज शामिल हो रहे हैं लेकिन नजर दो चेहरों पर खास तौर पर रहने वाली है। कौन से वो चेहरे हैं ये भी आपको बता दें। देखिए, दो चेहरे, सबसे पहले सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन पर नजर रहेगी जो कि इस रैली में शामिल हो सकती है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी इस महारैली में शामिल होने वाले हैं। तो ये वो दो बड़े चेहरे जिन पर आज इस महारैली में शामिल होने वाले हैं। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि आज सुनीता केजरीवाल विपक्षी नेताओं के मंच पर दिखेंगी। ये बड़े सियासी मंच पर सुनीता केजरीवाल की पहली मौजूदगी होगी। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन की सियासत में एंट्री हो चुकी है लेकिन ये पहला मौका होगा जब कल्पना सोरेन विपक्ष के बड़े मंच पर होंगी। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, ऐसे में सुनीता और कल्पना सोरेन को आगे करके विपक्ष सहानुभूति वाला कार्ड भी चल सकता है। ABP News आपको रखे आगे।